उत्तराखंड में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने और जन भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग होने के चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़े स्तर पर जनता इसमें भाग ले रही है और यही कारण है कि प्रदेश में बीजेपी के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हितों को लेकर सरकार ने जो भी फैसले किए हैं उन सभी से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी दो जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जनपद। इसके बाद से कहते पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएँ दी जाती हैं, जो योजनाएँ तय हैं उन तक पहुँची हैं, पहुँचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी सार्वजनिक चर्चाएँ।